लक्ष्य, चाहत, महक। यस सर, महक आपको समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। महक मुझे बताओ, सेकंड हाउस से क्या देखते हैं? फैमिली, बैंक बैलेंस और गोल्ड, कैश, ये सब। ओके, और फर्स्ट हाउस से सागर क्या देखते हैं? सर अपने खुद के बारे में देख रहे होता है, बिहेवियर किसी भी, जिसके हम खुद देखते, उसका बिहेवियर, उसका लाइफस्टाइल, और कैसा उसका मतलब पर्सनैलिटी है। ठीक है। चाहत थर्ड हाउस से क्या देखेंगे? ओके, आपने टाइप कर दिया। यंगर सिबलिंग्स, कम्युनिकेशन, एनी काइंड ऑफ लेटर्स, किसी भी तरह की चिट्ठी आनी है या टिकट आनी है, लॉटरी की टिकट हो, ट्रेन की टिकट हो, वीजा हो, आपकी प्रमोशन लेटर हो, आपकी अपॉइंटमेंट लेटर हो, टर्मिनेशन लेटर हो, किसी भी तरह की चिट्ठी हो, वो कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा उससे देखा जाएगा। अब फिफ्थ हाउस पे चलते हैं। फिफ्थ हाउस से क्या देखा जाता है? फिफ्थ हाउस से आपको बताया होगा लास्ट क्लास में क्या देखा जाता सर भाग्य, सॉरी भाग्य नहीं, हमारी डिजाइन देखी जाती है, क्या देखी जाती है? डिजायर, इच्छा, डिजायर। ओके, और और बट अपने संतान। संतान। तो फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं हायर इंटेलिजेंस, मंत्र उच्चारण, जो लोग बहुत अच्छे चैंटिंग्स करते हैं, मंत्र करते हैं, जो आपके घर में पंडित जी पूजा करने आते हैं, या आपके अगर आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, जो जो लोग आपकी प्रेयर्स बोलते हैं बिना उनको याद होती है ना, तो मंत्र चैंटिंग्स जो करते हैं, या हवन यज्ञ आप करवाते हो, पूजा करवाते हो, उसमें जो पंडित लोग मंत्र बोलते हैं कितने लंबे लंबे, और वो सब फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं। राइट, चाइल्ड बर्थ के मामले में प्राइमरी हाउस है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस की और इम्पोर्टेंस क्या है? ये गुड हेल्थ के मामले में फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकवरी फ्रॉम डिजीज के लिए फिफ्थ हाउस को देखा जाता है। अगर कोई बीमार है तो उसका फिफ्थ हाउस अगर एक्टिवेट हो जाए, या फिफ्थ हाउस से ही वो ठीक होगा। राइट, तो फिफ्थ हाउस से हम क्या क्या देखेंगे? फिफ्थ हाउस है हायर इंटेलिजेंस का। राइट, इसको कंफ्यूज नहीं करना। फोर्थ हाउस है प्राइमरी एजुकेशन का, फिफ्थ हाउस है हायर इंटेलिजेंस का। तो फिफ्थ हाउस हायर इंटेलिजेंस, चाइल्ड बर्थ, प्रोजनी के लिए कि आपके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। मंत्र उच्चारण फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। ठीक है, और गुड हेल्थ, रिकवरी फ्रॉम डिजीज के लिए फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। ठीक है, ये समझ में आ गया? नहीं, तो अभी चलते हैं सिक्स्थ हाउस की तरफ। तो सिक्स्थ हाउस से क्या क्या देखा जाता है? सागर के अलावा कोई बताएगा मुझे? सिक्स्थ हाउस से क्या क्या देखा जाता है? चलो मैं बताता हूं। सिक्स्थ हाउस से हम जॉब देखते हैं। सिक्स्थ हाउस से हम जॉब देखते हैं। सिक्स्थ हाउस से हम डिजीज देखते हैं। सिक्स्थ हाउस से हम शत्रु देखते हैं, जो हमारे ओपोनेंट्स हैं, विरोधी हैं। उनके ऊपर जो जीत है वो सिक्स्थ हाउस से देखी जाती है। अगर मैं किसी को, मुझे हराना है तो मुझे अपने सिक्स्थ हाउस को देखना पड़ेगा। लोन्स हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं, किसी को लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बैंक से या कहीं से।
जॉब डिजीज विन ओवर ओपोनेंट लोन्स ये सब हम सिक्स हाउस से देखते हैं। तो फर्स्ट हाउस से किसको देखा जाता है? खुद को। फर्स्ट हाउस से खुद को देखते हैं हम, सिक्स हाउस से डिजीज देखते हैं, राइट। तो जब फर्स्ट और सिक्स हाउस मिल जाएंगे तो क्या होगा बंदे को? अगर फर्स्ट और सिक्स हाउस मिल जाएंगे किसी की कुंडली में तो क्या होगा? सर अगर तो अच्छा उनका होगा हिट तो फिर तो वो अपने एनिमी पर विक्ट्री कर लेगा। अगर उसे कोई लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो उसकी बहुत पेनल्टी पूरी हो जाएगी, और अगर बैड हिट है तो फिर उसके ऊपर मतलब लोन कर्जा ज्यादा चढ़ जाएगा, उस पर डूब सकता है या फिर वो बीमार हो सकता है या फिर अपने एनिमी से मार खा सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट और सिक्स जब मिलेंगे तो जो फर्स्ट से मैं हूँ मेरे साथ सिक्स हाउस से रिलेटेड इवेंट्स हो सकते हैं। तो सिक्स हाउस से जॉब देखा जाता है, डिजीज देखी जाती है, लोन्स देखे जाते हैं, विक्ट्री ओवर ओपोनेंट देखी जाती है। तो ये सब चीज़ें फिर हमारे हमारी लाइफ में होनी स्टार्ट हो जाएंगी। किसी को जब जॉब मिलेगी तो उसका सिक्स हाउस इन्वॉल्व होगा, किसी को जब डिजीज होगी तो उसका सिक्स हाउस इन्वॉल्व होगा, राइट। तो सिक्स हाउस से हम क्या देखते हैं? अब डिजीज देखते हैं हम सिक्स हाउस से, गुड हेल्थ कहाँ से देखते हैं या रिकवरी फ्रॉम डिजीज फिफ्थ हाउस से, राइट। अब चलते हैं सेवंथ हाउस पे। तो सेवंथ हाउस हमारे लाइफ पार्टनर का हाउस है, अगर हम बिजनेस का हाउस है, सिक्स हाउस से हम जॉब देखते हैं, सेवंथ हाउस से हम बिजनेस देखते हैं। तो जो लोग लाइफ में बिजनेस करेंगे उनके सेवंथ हाउस की इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी है, मैरिज के लिए सेवंथ हाउस की इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी है। और ये सेवंथ हाउस हमारा पब्लिक डीलिंग का हाउस है कि हम लोगों के साथ मिलके कैसा व्यवहार करेंगे वो सेवंथ हाउस से देखा जाता है, अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे ये सेवंथ हाउस से हम देखते हैं, राइट। सेवंथ हाउस ओपोनेंट का फर्स्ट हाउस है, मतलब जो हमारा सामने वाला व्यक्ति है जिसके साथ अगर मान लो किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी के साथ हमारी लड़ाई हो गई, किसी ने हमारे ऊपर अगर केस कर दिया तो वो व्यक्ति वो इंसान सेवंथ हाउस से देखा जाएगा। जिससे हमारी शादी होगी वो सेवंथ हाउस से देखा जाएगा। अगर हम किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो जो दूसरा पार्टनर है सामने वाला वो सेवंथ हाउस से देखा जाएगा। इसमें कोई डाउट है जो अभी तक मैंने बताया आपको 1 to 7 हाउसेस में या सेवंथ हाउस में कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो? सब ठीक है सर। ठीक है, तो एट्थ हाउस की तरफ अब चलते हैं। एट्थ हाउस डेंजर का हाउस है, एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, एट्थ हाउस हमें रिसर्च की तरफ लेके जाएगा, एट्थ हाउस ओकल्ट का हाउस है, एस्ट्रोलॉजी जो लोग करते हैं उसका हाउस है, राइट। अब ये जो एट्थ हाउस है ये हमारे लाइफ पार्टनर का या हमारे पार्टनर का बैंक बैलेंस का भी हाउस है। एट्थ हाउस डेंजर का हाउस है, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, ऑकल्ट साइंसेस का हाउस है, पार्टनर का बैंक बैलेंस एट्थ हाउस से देखा जाता है, फादर की इन्वेस्टमेंट्स एट्थ हाउस से देखी जाती है। ये समझ में आया?
एट हाउस से क्या क्या देखा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? काम करते हैं, काम करते हैं, काम की वजह से या फिर किसी और वजह से? नहीं, आपकी आवाज समझ नहीं आई मुझे। सर हम जब जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमें काम की वजह से या फिर कुछ और वजह से कोई अपनी जब जगह छोड़ने पड़ती है, ट्रांसफर होना पड़ता है? नहीं नहीं बेटा, वो ट्रांसफर होता है, इसीलिए मैंने पूछा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि मैं एक मेरी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है या किसी काम को करने का कोई तरीका है। एट्थ हाउस की जब इन्वॉल्वमेंट हो जाती है किसी की लाइफ में, तो वो एकदम से कम्प्लीटली बंदा चेंज हो जाता है। कोई मान लीजिए आपकी नज़र में कोई बहुत बुरा व्यक्ति था, वो एकदम से उसकी एट्थ की दशा स्टार्ट हुई, वो ट्रांसफॉर्म हो गया, वो चेंज हो गया, एक बेटर बेटर पर्सन बन गया, है ना, एक एक अच्छा इंसान बन के आपके सामने आ गया। या कोई अपने कोई बिजनेस कर रहा था, मान लीजिए जियो के आने से पहले, जियो मोबाइल्स के आने से पहले, जियो सिम के आने से पहले इंटरनेट इंडिया में बहुत महंगा था, तो जियो ने आके जो ये इंटरनेट वाली इंडस्ट्री है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, एकदम से चेंज कर दिया। पहले तो उसने फ्री दिया कितनी देर लोगों को, है ना, साल दो साल वो फ्री देता रहा, उसके बाद चार्ज कर रहा है, लेकिन अब हर एक बंदे के पास हर रोज का कम से कम 1.5-2 GB का पैक है, ये पहले नहीं था। तो जियो ने क्या किया, रिलायंस ने क्या किया, इस इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया, तो सब लोगों को चेंज कर दिया उसने। तो इस तरह से जब व्यक्ति के जीवन में, हमारे जीवन में या जिसकी कुंडली आप देखोगे उसके जीवन में अगर कोई चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, बदलाव आएगा, वो एट्थ हाउस से देखा जाता है। और एट्थ हाउस डिप्रेशन का हाउस भी है, तो जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिनको डिप्रेशन का डिजीज हो जाता है या प्रॉब्लम हो जाती है, वो एट्थ हाउस से देखा जाता है, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन